क्षा हमने स्कूलफी इन इंडिया स्टार्ट करा था जिसमें हमने दो टाइप के स्कूल पढ़े थे एक था ऑर्थोडॉक्स दूसरा थाट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल में हमने पढ़ा कि दे बिलीव इन द गॉड और दूसरा दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी तो इन दोनों चीजों में जबकि हेट्रोडॉक्स जो थे वो गॉड को क्वेश्चन करते हैं कि वेदर दे रियली एग्जिस्ट और नॉट तो उनका क्वेश्चन मार्ग लग जाता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल में हमने तीन स्कूल ऑलरेडी कवर कर लिए हैं आपका सामख्या स्कूल हमने पहला देखा था फिर उसके बाद हमने योगा स्कूल कवर किया देन ने हाई स्कूल आज हम फोर्थ स्कूल कवर करेंगे विच इज योर विशेषिका स्कूल तो बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल फीचर देखेंगे अगेन अप्रोच वही रहेगी इसके फाउंडर का पता होना चाहिए इनका बिलीफ क्या था और सालवेशन कैसे पा सकते हैं उस चीज को विशेषिका स्कूल के अंदर देखेंगे तो फर्स्ट इज इसके फाउंडर थे महर्षि कन्नड़ कन्नड़ को कहा जाता है इनके फाउंडर और इनका मानना है फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स कैसी फिजिकलिटी फिजिकलिटी इज समथिंग जिसको हम टच कर सकते हैं अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी फाइव एलिमेंट्स आएंगे उनको देखेंगे दूसरा ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो पांच एलिमेंट से बना हुआ है पांच तत्व से बना हुआ है पहला है एयर वॉटर अर्थ स्काई फायर सो दीज आर फाइव एलिमेंट जो की विशेषिका बोला गया है क्या क्या एयर वॉटर अर्थ स्का फायर ठीक है तो दीज आर द फाइव एलिमेंट इनको बनाने की ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये हम सभी को पता होता है सो फाइव एलिमेंट्स एयर वॉटर अर्थ स्काय फायर और इन सभी को कलेक्टिवली बोला जाता है द्रव्य इन सभी एलिमेंट्स को इन पांच एलिमेंट्स को बोला जाता है द्रव्य और इनका जो ये विशेषिका स्कूल है ना जो विशेषिका स्कूल है टॉक्स अ अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो इससे पता चलता है कि जो फिजिक्स का ओरिजिन है वो किस स्कूल से एसोसिएटेड है दैट इज विशेषिका स्कूल तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि जो फिजिक्स का ओरिजिन है वो कौन से स्कूल को क्रेडिट करा जाता है तो दैट इज योर विशेषिका स्कूल इनका मानना है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है दैट इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल और एटम का भी कुछ ना कुछ मास होता है जिसको इनडायरेक्टली हम टच करते हैं बट देख नहीं सकते ठीक है तो दैट डिफाइन द फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स और लास्ट में बोलते हैं कि आपके जो कर्म हैं जो विशेषिका स्कूल है इसको आप नोट कर लो दे बिलीव इन द कर्मा थ्योरी इनका मानना है जो आपके कर्म होंगे चाहे वो अच्छे होंगे चाहे बुरे होंगे तो अगर अच्छे होंगे या बुरे होंगे तो आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट रिस्पेक्टिवली मिलेगा और वही डिसाइड करेगा कि आप हेल में जाओगे या हेवन में अगर अच्छे कर्म होंगे तो यू विल बी गिवन हैवन एंड अगर बुरे होंगे तो यू विल बी पनिश्ड विद हेल्थ तो दे बिलीव इन द कर्मा थ्योरी तो अगेन फिर आप बर्थ एंड डेथ के सर्कल में आ जाओगे और फिर आपको दोबारा से वही जिंदगी निकालनी पड़ेगी और टू फॉलो द पाथ ऑफ सॉल्यशन ताकि आप दोबारा उस चक्कर में ना आओ तो ज्यादा ही फिलोसफिकल स्कूल हो जाता है बाद में ऑल दो इट बिलीव इन द फिजिकैलिटी ऑफ यूनिवर्स सो दिस इज ऑल अबाउट द वशेषिका स्कूल नेक्स्ट हम मेहमान स्कूल देखेंगे तो विशेषज्ञ का स्कूल इतना ही था अगर आपको एक दो और पॉइंट्स मिलते हैं तो यू कैन एड बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे